घटना एक सीधी सादी युवती से जुड़ी हुई है जो कि मथुरा जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के एडिंग कस्बे की है, जहां पर युवती के फुफेरे भाई युवती को जाल में फंसा कर डाल दिया दरिंदों के आगे। कभी राजस्थान कभी यूपी में युवती को लेकर रहे अवश्य दरिंदे जैसे तैसे जान बचा कर आई युवती ने अपने माता पिता को साथ लेकर गोवर्धन थाने में जाकर लगाई न्याय की गुहार। लेकिन क्या करे थानाध्यक्ष गोवर्धन, गृह मंत्रालय के मिले हुए सम्मान की खुशी में चूर यह तक भूल गए कि वह जनता के सेवक और जनता की सेवा करना उनका परम कर्तव्य। लेकिन सम्मान के मद में उन्होंने युवती की तहरीर तक लेना मुनासिब नहीं समझा। युवती का कहना है उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पुलिस निष्पक्ष जांच करे, अगर उसका दोष पाया जाए तो वह भी दोषी की तरह सजा छोड़ने को तैयार है। अब देखना होगा कि कब तक इस युवती को योगी सरकार में न्याय मिल पाएगा। जबकि युवती और युवती की मां इस वक्त मथुरा जिले के सभी आला अधिकारियों की चौखट पर अपना सिर फोड़ चुकी है। मथुरा में न्याय के लिए भटक रही है युवती, थाने के चक्कर लगा लगा कर वहीं बेहाल। दबंगों की दबंगई से किया युवती के साथ बलात्कार, 11 महीनों से दबंग कर रहे थे युवती के संग दुराचार। मथुरा से मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। 3 तारीख को 10वें महीने में सन 2019 में पुत्र हीरा सिंह, वीरू नामालुम, वीरू गुजर और संजय नामालुम निवासी मंडी चौराया और जुगल पुत्र चंदन सिंह निवासी राजस्थान से कुबेर में और पुत्र बबलू पुत्र नामालुम वो प्रथम का है सर। उन्होंने मेरा बलात्कार 3 तारीख को किया था। मुझे यहाँ से रदावल अन्य स्थानों पर अपने बुआ के यहाँ पर रखा था। जबरन मेरी शादी धर्मवीर से करवा दी और मुझे नशे की गोली देता था सर। मेरे इकलौते भाई को मारने की धमकी देता था और कहता था कि अगर तू ये सबसे कह देगी तो मैं तेरी वीडियो बनाकर वायरल कर दूंगा। इनके साथ मेरे साथ उल्टा सीधा बलात्कार करवाता था और मेरी वीडियो भी बनाता था उनके साथ में। और मेरे से ये कहा, मेरे माता पिता के साथ कई बार मैंने कहने की कोशिश की लेकिन मुझे यही बात कहता था कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, फेसबुक पर डाल दूंगा। यहाँ से निकलने की कोशिश की तो तूने यहाँ मुझे लेके आया अड़िंग में, यहाँ पे भी ये काम किया था मेरे साथ। लेकिन मैं शुक्रवार को निकल के आई हूँ सर वहाँ से। यहाँ से मैंने ये रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने गई थी लेकिन वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। सर मेरी ये सुनवाई करवा दीजिए प्लीज सर, मुझे न्याय चाहिए सर, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिला दो। अभी आप किसी अधिकारी से मिली हैं आकर के, पुलिस के किसी अधिकारी से? नहीं सर, मैं थाने गई थी लेकिन वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिलीप सर थे वहाँ पे, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। दिलीप सर ये फोटो लेके व्हाट्सएप पे डाल दिया है और अड़ी के लोगों से उन्होंने मिला भेंट कर ली है लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है सर। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिला दो सर प्लीज सर। मेरी बेटी है खुशबू, मैं इसकी माता हूँ। इन 4 दिन हो गए मुझे यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला, थाने गई वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या कुछ परेशानी आ रही है आपके सामने? मुझे आ रही है परेशानी, मैं इन लोगों को फांसी दिलाना चाहती हूँ। कौन कौन लोग हैं? जुगल, बबलू, धर्मवीर और वीरू संजय। कहाँ के रहने वाले? ये तो धर्मवीर अड़िंग का ही है, वीरू अड़िंग का ही है और जुगल वो जुगल महाकाल राजस्थान का और बबलू प्रथम का है और पुत्र हीरा सिंह का ही है, धर्मवीर है। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं अड़िंग की। क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, फांसी दिलाना चाहती हूँ, बिल्कुल फांसी चाहिए मुझे। मैं इंसाफ चाहना है तो मैं यहीं पे मर जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर। आज मुझे जाना नहीं है यहाँ से, कहीं नहीं जाना है। आज 4 दिन हो गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। अच्छा आप थाने गई थी, क्या कह दिया गया आपको? उन्होंने वीडियो वायरल करके वहाँ पे भेज दिया अड़िंग में। अड़िंग में उन लोगों को बुलाया, उन लोगों से कुछ बेच किया। वीडियो किसका वायरल किया था? पोस्टर पे डाल दिया इनको लेके। ये पुलिस वाले उन्होंने डाल दिया, उन्होंने किया कि मुझे भेज दो वीडियो बना के, उन्होंने भेज दिया। उस 4 दिन से कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपका अभी किसी बड़े अधिकारी से मिली, थाने आपकी सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी बड़े अधिकारी से मिली है जाकर के? सर गोवर्धन लगता है हम यही आके हैं।